क्लियर बता दे, बसपा सपा कांग्रेस केजरीदीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सबको मिल जाइए, बीजेपी को ही वोट देंगे। ये इबादत संभाल के रखना। लोग स्वामी जी बहुत तेज गुस्सा है, कपने लग गए, लेकिन पता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था, तो हाथ कांपा था कि नहीं। बोला दोबारा रिपीट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। इनकी दिली चॉइस है और ख्वाहिश है कि जातिगत जनगणना हो। तो आप बांटिए मत कि गुज्जर राजपूत बनिया ये आंतरिक हिंदू है सर। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जाति की बात मत करना और अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों डिबेट में अनुराग भदौरिया जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जिसके बाद ऑडियंस ने डिबेट में ही इन्हें धर दबोचा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, ये लोग बजरंग दल को बैन करने का मांग कर रहे हैं। अगर वैलेंटाइन से उसको हटा के दिखा जाए, मजाकिया रूप से हटा के दिखा जाए, तो बजरंग दल इस देश में अगर किसी बहन बेटी के साथ लव जिया दो, किसी का धर्मांतरण सबसे पहले अगर फ्रंट में कोई खेलता है, तो आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड आवर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड बजरंग दल, ठीक है। और आप लोग का जैसा कारनामा है ना सर, इसे हम आपको क्लियर बता दें, बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सबको मिल जाइए, बीजेपी को ही वोट देंगे। जी जी जी, ये बजरंग बली का जो पूरा चैप्टर कांग्रेस ने खोला, में मत फंसना, जो कांग्रेस का हाल है वो हो जाएगा तुम्हारा। देखिए मैं तो ऐसा है क्या, मैं तो दो लाइन कहूंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत संभाल के रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, आपको मोहब्बत संभाल के रखना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुस्साए, कपने लग गए, लेकिन जालौन की बेटी पे नहीं कपे, नहीं कपे हतरस की बेटी पे, नहीं कपे मां बेटी जिंदा जल गई कानपुर में, नहीं कपे। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी कोई भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटी हिंदुस्तानी है। जब वो बेटी के साथ अन्याय होता है तो कप कपी ऐसे ही हर किसी के लिए आनी चाहिए। कप कपी सिर्फ एक बात के लिए आएगी, ठीक नहीं है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इतने बच्चे यहां पर बैठे हैं, इनके घर में इनके मां बाप भी सुबह से लेकर शाम तक फीस भरते हैं, बच्चों को पढ़ाई करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। क्या इसके बारे में 40 मिनट में एक बार भी चर्चा हुई? 1992 में चले गए, 1991 में चले गए, या बच्चे वेट कर रहे हैं 2023 में मुझे क्या दोगे बताइए? इसके बारे में चर्चा नहीं। 2014 में जो वादे किए थे उसके बारे में कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो करी थी 2022 में, नतीजा क्या आया? कोई बात नहीं, 2022 में आपने इनके वादों की बात करी थी, क्या नतीजा है? आप हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक्सप्रेस वे बना हुआ आज भी है, हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेट्रो बना हुआ आज भी बच्चे चलते उस पे, हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 100 डायल हमने पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया है, हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप मैंने बच्चों को दिया था, हम हार जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एम्बुलेंस गांव-गांव में जाता है जी। सवाल ये आप कह रहे हैं हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात बोली अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने अतीक को बनाया। हार जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुख्तार को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, आजम को बनाया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, भू माफिया बना दिया। हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, हार जाए कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, जब इनके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, हाँ, तो हाथ कांपे थे कि नहीं? हाँ, जिस समय अतीक अहमद को टिकट दे रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को सांसद बना रहे थे तो हाथ कांपने चाहिए थे। अच्छा, परंतु इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मर्यादा आपको मौका दूंगा मैं। जब उन्होंने ये बोला था कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था, तो हाथ कांपा था कि नहीं? अब है ना लाइन पे। बजरंग दल पर बैन जरूरी था जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही? सवाल सीधा है, इसका जवाब चाहता हूं। मेरा सवाल दूसरा है, आपका सवाल कैसे होता? मैं बता रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब आपका होगा भैया, क्यों जवाब किसका होगा? जवाब आपको दे रहा है भाई, सुन लीजिए जी सर। समाजवादी पार्टी जात धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती है। चल झूठा, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चों के बारे में बात कब होगी? प्रभु के बच्चे समाजवादी पार्टी जाति के, आपने क्या बोला? दोबारा रिपीट करिए प्लीज प्लीज प्लीज, दोबारा रिपीट करिए। समाजवादी वंस मोर, समाजवादी पार्टी देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं अगल बगल में, समाजवादी पार्टी जाति के नाम पर वोट नहीं मानती। बोल लो, समाजवादी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मानती? एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जिन्होंने बोला सैफई नाम लिया, सैफई एक गांव का नाम है, गांव में अगर हमें अभी इन्होंने बोला आपके सामने, इन्होंने बोला अब रुकिए, अब सुनोगे? अब रुकिए, अरे हम तो रुके 93 में
किसने नारा दिया था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, समाजवादी पार्टी ने। और ये किसका वोट बैंक होता था, MY समीकरण, बिहार के अंदर लालू यादव का और उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव का। ये है जाति का समीकरण। अब ये है। अब स्वामी जी बंकर आपके हाथ कांपने चाहिए, आऊंगा मैं आपके पास। स्वामी जी बंकर अपनी बात बताता हूं आपसे। इन्होंने कहा है कि ये जाति की राजनीति नहीं करते। आप जानते हैं जब से विधानसभा उत्तर प्रदेश में चल रही है और चुनाव अभी खत्म हुए हैं विधानसभा, इनकी दिली च्वाइस है और ख्वाहिश है कि जातिगत जनगणना हो। ये चाह रहे हैं, जातियों में नहीं बांटेंगे। अरे क्या मतलब है? इसके नोट की वैल्यू सर तब तक है जब तक ये पूरा है, इसको आप बांटिए मत कि गुज्जर राजपूत बनिया ये वो। सर हम सिर्फ हिंदू है सर। जी जी प्लीज सर, जी जी आप जातिगत जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैंने बोला हाँ 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 हाँ, तो सुन तो लो, बोले तो दो, अब बोले तो दोगे? जी जी, दो मिनट भी नहीं ठहरे, अब बोले दीजिए प्रभु, अब आप सुन लीजिए दादा, दो मिनट प्रभु सुन लीजिए, अब मुझे दे दीजिए। मैंने इनको बोला, हमने बोला समाजवादी विकास की राजनीति करती है, हमने विकास गिनाया अभी, हमने कहा जाति जनगणना कराओ इसलिए चूंकि पता होना चाहिए कौन लोग कितने हैं, किनकी संख्या है, कितने पिछड़े हैं, कम से कम उनकी मदद हो पाए। ये नहीं चाहते उनकी मदद, सुनो ये नहीं चाहते उनकी मदद, नहीं चाहते। सुनिए अभी बीजेपी से बुलवा दीजिए, नहीं चाहते ठीक है, बुलवा दीजिए प्रभु, बुलवा दीजिए कि हम नहीं चाहते। बोल दे खाली, अच्छा बुलवा तो दो, बोलने तो दो, बोलने तो दो, खाली बोल दो, बहुत देर से घुमा रहे हैं, बहुत देर से, अरे बोलने तो दो। क्या आप लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं? हो गई तो सर, पब्लिक नहीं चाह रही, देश नहीं चाह रहा भाई, आप लोग चाहते हैं क्या? खड़े होके जवाब दीजिए, खड़े होके जवाब दीजिए। क्या आप बटना चाहते हैं? क्या आप जातियों में बटना चाहते हैं? हम तो कहते हैं, सुनिए सुनिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हर की भजे हर का होई। अच्छा ठीक है, सुनिए एक लाइन और। जी जी जी, एक बात इनकी मानता हूँ, ये जात की बात नहीं करते, जानते क्या है? अरे भाई समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में बोला, अरे आपके समर्थन में अभी कह रहे थे, अभी आपके सामने कह रहे थे कुछ देर पहले, इधर आओ भाई, इधर आ गया, आ गया, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जाति की बात मत करना, और अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करना। जाति जनगणना मतलब समाज का उद्धार, पता चला कौन किस जाति का, इतनी इतनी लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे हैं, चाहते हैं कि क्या मतलब है जाति गिनने का, उधर घुमा दिया, ये जाति गिनने की बात कर रहे हैं। आप इनका रहस्य नहीं समझ पाए। अच्छा आप बता दीजिए, इनको जाति की गणना चाहिए, इनको जाति चाहिए, अब पूरी बात हो रही है, सब शांति से कि इनको सत्ता, जात की बात नहीं भी करते, जात की बात करते भी है, कैसे? सत्ता पाने के लिए जात की बात, और जब सत्ता आ जाए तो जाति नहीं सिर्फ परिवार की बात। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।